मुंबई में हर साल गणेश उत्सव के दौरान जो पंडाल बनाए जाते हैं, वहां पर कुछ न कुछ ऐसी थीम होती है जो एक सामाजिक संदेश देती है, लोगों को जागरूक करती है। मैं इस वक्त हूं मुंबई के बाल गोपाल गणेश मित्र मंडल शांति नगर 7 रास्ता पे। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं पहुंचा हूं, और यहां पर चूंकि पूरा साल जो है 2 सालों से पूरे देश में पूरे विश्व में कोरोना का कहर है, तो लाजमी है कि पंडालों में कोरोना के बारे में जानकारी जरूर दी जानी चाहिए। इसको लेकर के यहाँ पर थीम बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले ही संदेश लिखा गया है कि स्वस्थ और लंबी आयु के लिए टीका जरूर लगाएं। जी हाँ, किसी भी टीकाकरण केंद्र में जाते हैं तो जिस तरह से वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैपटॉप रखा गया और मूसक जो कि गणेश जी के की सवारी हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, और पूरी ये थीम बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये मूसक हैं और उनके ऊपर विश्व का पूरा एक ग्लोब रखा गया और गेट वैक्सीनेटेड का जो है यहाँ पर लगाया गया है। क्या ये पूरी थीम है, किस तरह से ये पूरा तैयार किया गया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं किशोर भट्ट जी, जो कि एक कलाकार हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सर, ये जो पूरी थीम बनाई गई, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि गणेश की जो सवारी है मूसक यहाँ पर मौजूद है और वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ संदेश देने की कोशिश की गई, ये पूरी थीम क्या है? ये एक्चुअली क्या है, हम लोग 1983 से करंट टॉपिक के ऊपर ही थीम बनाते हैं। तो अमिताभ जी जिस टाइम पे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थे, तो हमने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल का एक सीन बनाया था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद में हमेशा हम करंट टॉपिक के ऊपर ही सीन बनाते हैं। संजय दत्त जी जिस टाइम पे टाड़ा में थे, तो उसका टाड़ा का सीन बनाया था। तो ये 2 बरस से कोरोना का ज़्यादा चल रहा है, तो लास्ट ईयर हमने भी कोरोना के बारे में ही सीन बनाया था। तो इस वक्त हमारे पास ये पंचमुखी गणेश जी है, तो पंचमुखी गणेश जी में ये मूसक है, तो मूसक को देख के ख्याल आ गया कि गणेश जी का मूसक संदेश देता है लोगों को कि विश्व के अंदर जो कोरोना है तो उसके लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। तो इसके लिए हमने ये सारा सीन बनाया रहा है। मूसक पृथ्वी के ऊपर, मूसक के ऊपर पृथ्वी है और पृथ्वी में उधर लिखेला है कि वैक्सीन लेना जरूरी है। और यहाँ पे हमने एक सीन बनाया है, उसमें डॉक्टर जो है वो वैक्सीन देता है, ऐसे एक सीन बनाया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे पंडाल के माध्यम से गणपति बप्पा, जिससे कि सबका कल्याण करें? हमारा जो मंडल है बाल गोपाल गणेश मित्र मंडल, तो हम लोग का एक संदेश है कि लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है, उसमें लापरवाही ना करें। अगर लंबी आयु करनी है, जब एक गणेश जी का मूसक अपने को संदेश दे रहा है, तो लोगों को ये बात समझना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान से सबकी आस्था जुड़ी है। तो ये जो एक संदेश दिया जा रहा है यहाँ पर इस पंडाल में कि टीकाकरण यानी वैक्सीन लेना कितना जरूरी है, अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पूरे कलाकारी जो की गई है, जो संदेश दिया गया है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन होता है, मुंबई गेट वैक्सीनेटेड, टीका लगवाएं, लसीकरण करा, इस तरह से पूरा यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से अगर एक शख्स को जब वैक्सीन लगाई जाती है तो किस तरह से उसके जो है उठाए जाते हैं, किस तरह से उसकी मुट्ठी बंधी होती है। तो एक टीकाकरण केंद्र की पूरी क्या सीन होती है वो इस पंडाल में बनाई गई है, और यही संदेश दिया गया है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क जरूर पहने, और गणपति बप्पा आपकी सहायता करेंगे, पूरे देश का कल्याण करेंगे। गणपति उत्सव के दौरान हर गणपति पंडाल और जो भक्त हैं उनकी यही कामना है कि आप टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।